लोग आपको अपनी बातें बताते हैं, आप पर ट्रस्ट सिर्फ तब करते हैं जब आप उनके विश्वास को बरकरार रखने में कोई कमी नहीं छोड़ते। अब अगर हम अपनी खुद की ही बात करें तो ये सच है कि हम खुद भी अपने मन की बातें सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करनी पसंद करेंगे जो हमारी बातों को सिर्फ अपने तक रखें, ये नहीं कि हर एक चीज़ हर एक इंसान के साथ शेयर करें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो बातें जिससे आप किसी के भी दिल की बातों को इजीली जान सकते हैं, मतलब अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा कर सकते हैं कि सामने वाला इंसान आपको अपने मन की बातें बताने में सोचेगा नहीं, वो इजीली आपसे शेयर कर देगा। तो बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक, और अगर आप अब तक मुझसे इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े तो प्लीज यार इंस्टा पर मुझसे जरूर जुड़ो, वहां मैं कई कहानियां कई थॉट शेयर करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले है, आप जिसका भी ट्रस्ट जीतना चाहते हैं उससे थोड़ी अपने बारे में भी बात करनी पड़ेगी। देखो यार, सिंपल सी बात है कि हम ट्रस्ट हर किसी का तो जीतना नहीं चाहते, और ना ही ये चाहते हैं कि हर कोई हमारा दीवाना बनकर रहे। बात बस यह है कि कोई कोई इंसान ऐसा होता है जिसके साथ हम अपनी लाइफ को बिताना चाहते हैं या अपनी लाइफ का ब्यूटीफुल मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं। बस यही आपको ये करना है कि आपको अपने बारे में भी कुछ बात करनी है, कुछ अपनी फैमिली, अपने ड्रीम्स और थोड़ी हंसी मजाक खुद पर लेकर करनी पड़ेगी। ये सभी चीज कहीं ना कहीं उसे आपसे जोड़ने में मदद करेगी, क्योंकि हम यार उन लोगों को सच में पसंद करने लगते हैं जो कुछ कुछ हमारी ही तरह होते हैं। और कोई हमारी तरह है ये सिर्फ हमें तभी पता चल पाता है जब सामने वाला खुद पर हंसी मजाक करे, खुद के बारे में हमसे डिस्कस करे, यानी कि ये पॉइंट आपके काम आएगा। इसके बाद है, उसे ये दिखाओ कि आप अपने फैसले खुद लेना जानते हो। अब जैसे एक लड़की का एक लड़का दोस्त था, वो दोनों काफी बातें भी करते थे, मगर यार वो लड़की उससे अपने दिल की कुछ ज्यादा बातें शेयर नहीं करती थी। ये बात लड़के को काफी अजीब लगती थी कि वो तो अपनी हर एक बात बता देता है, फिर लड़की उससे क्यों नहीं बताती। और इसी चीज की वजह से कई बार उनकी लड़ाई भी होती थी। एक्चुअली वो लड़का ऐसा था कि बिल्कुल भी खुद पर भरोसा रखने वाला नहीं था, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं था। वो अपने कुछ फैसले खुद लेना जानता ही नहीं था, या तो वो अपने घर वालों से पूछता या इस लड़की से या किसी और दोस्त वगैरह से, जबकि हमें सबकी सुनकर फैसले खुद ही लेने चाहिए। अब क्योंकि ये खुद अपने फैसले नहीं ले पाता तो कोई भी लड़की इसे अपने मन की बात क्यों बताएगी, वो क्यों बताएगी कि उसको क्या कंफ्यूजन है, जबकि उसे मालूम है कि इससे बात करके तो और ज्यादा कंफ्यूज होने का डर है। तो इसी वजह से उस लड़की ने इससे बात करना बंद कर दिया। इसके बाद उस लड़की की बात किसी और से होने लगी, और वो लड़का काफी मैच्योर था। वो इससे ऐसे बात करता था जैसे अपनी लाइफ के बड़े बड़े फैसलों को वो खुद लेता है, यानी सिंपल है कि इस लड़की को उसके साथ काफी सेफ महसूस होता था। ये लड़की बेझिझक उससे किसी भी तरह का सवाल करती और वो थोड़ा सोचकर इसके सामने सॉल्यूशन रख देता, और इस तरह से ये उससे काफी अटैच होने लगी और दोनों के बीच एक बॉन्ड, एक ट्रस्ट पैदा होने लगा। तो दोस्तों बात सिंपल है कि आपको पहले यही दिखाना होगा कि आप बच्चे नहीं हो, आपको खुद के फैसले लेने आते हैं। इसके बाद है, जरूरत से ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना। अगर आप किसी का ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, चाहते हो कि वो इंसान अपने मन की बातें आपसे शेयर करे, तो उसे ये मत दिखाओ कि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। आपके तो हजारों चाहने वाले हैं, फिर भी आप उससे बात कर रहे हो। ऐसा सीन तो यार किसी भी इंसान को आपसे दूर कर देगा। अपनी पावर, अपनी बड़ाई हमें बहुत ही रेयर, मतलब 1% चांस ऐसा आता है जिसमें हमें खुद की तारीफ करनी चाहिए, वरना खुद को किसी के भी सामने बड़ा चढ़ाकर मत दिखाओ। आप सिर्फ मदद करो, उसे ध्यान से सुनो, उसकी बातों को, उसके साथ को एंजॉय करो, फिर ऑटोमेटिकली आप में एक बॉन्डिंग बनने लगेगी। इसके बाद ऐसा कभी मत करना कि सामने वाला आप पर भरोसा कर रहा है और आपको अपने मन की कुछ ऐसी बातें बता भी रहा है जो उसने किसी को नहीं बताई, और आपने कभी भी उससे अपने दिल की कोई भी बात शेयर नहीं की। इससे उसे शक होने लगेगा कि आप उससे अपने मन की बातें छुपाते हो। फिर उसे ये लगने लगेगा कि आपकी लाइफ में उसके अलावा कोई और भी है जिससे आप अपनी मन की बातें शेयर करते हो। इसलिए आपका जब एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, सामने वाला आपसे थोड़ा बहुत अपनी लाइफ का पार्ट शेयर कर रहा है, तो थोड़ा बहुत आप भी करो। ये चीज हमेशा किसी भी इंसान को आपको सोचने पर और आपके साथ रहने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ आई होगी, इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। इसके साथ इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और अगर किसी वजह से वो लिंक ओपन नहीं होता तो आप undiscoveredtruth0 सर्च करके मुझसे जुड़ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।